आज अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी के जाने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो उन तक जल्दी पहुंच सके। सबसे पहले मुझे लिए मैंने 2 अदद शिमला मिर्च लिए हैं और प्याज मैंने इस तरह मैंने काट लिए हैं और 1 प्याज मैंने इस तरह बारीक काट लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया और 1 किलो मैंने चिकन लिया। आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं लेकिन मैंने ये वाला लिया और 3 से 4 अदर टमाटो पेस्ट लिए। 1.5 कप जोन से वो ऑयल जाएगा हमारा, उसमें 1 टेबल स्पून जाएगा सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून जाएगी हल्दी, 1 टेबल स्पून जाएगी सुरख मिर्च और 2 टेस्ट जाएगा नमक। तो मैंने ऑयल गर्म करके रखा है, मैं अब ऑयल उसमें अब मैं इसमें ये देखिए प्याज डाल दिए मैंने, तो इनको थोड़ा सा करेंगे हम पकाएंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था साथ टाइम की बचत के लिए, क्योंकि वीडियो का ज़्यादा टाइम ना हो। और साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, हम लोगों ने प्याज का सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े की, और फुल फ्लेम रखना है, फुल फ्लेम से थोड़ा सा कम, हाई फ्लेम भी नहीं रखना और फुल भी नहीं, मीडियम भी नहीं, मीडियम से थोड़ा तेज़ रखनी है फ्लेम अपनी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे प्याज को हमने 3 से 4 मिनट फुल गर्म ऑयल में किया पकाया और इसका कच्चापन ख़त्म हुआ, साथ हम लोगों ने चिकन डाल दिए। चिकन फ्रीज किया हुआ था, प्याज और चिकन हम लोग दोनों फ्राई करेंगे गरम ऑयल में। आप भी इसी तरह फ्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से रेसिपी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें 8 से 10 मिनट हमने फ्राई किया चिकन को और चिकन में देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की, कितनी टेस्टी, कितनी नाइस लुक आ गई है इसमें, फ्राई होगी हमारी अभी। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, मसाले जो मैंने आपको अभी बताए हैं वो मसाले अब इसमें ऐड कर देंगे।
मसाले ऐड करने से करने के बाद थोड़ी 2 से 1.5 मिनट इसको भूनेंगे हम। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट जो किए थे, 3 से 4 मैंने टमाटर का पेस्ट ग्राइंड कर लिए थे, सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 डाल दी थी बीच में मैंने। तो अब हम वो ऐड करेंगे, ये टमाटर सब्ज मिर्चे इसमें मैंने पेस्ट कर ली थी। अब हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह भुनेंगे। ये देखें माशाल्लाह, देखें कितनी मज़े की, कितनी अच्छी चिकन जलफ्रेजी रेडी हो रही है हमारी। ये देखें अब हम इसे 4 से 5 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, 3 से 4 मिनट। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारा लुक आया इसका। अब हम इसमें जो सब्ज मिर्च, ये जो कैप्सिमा कम काटी थी ना, शिमला मिर्ची हम लोगों ने इस शेप में वो ऐड कर देंगे। और ये प्याज, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी हमारी चिकन जलफ्रेजी रेडी हो रही है। इसमें आप ऑमलेट बना के वो भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, वो भी डालेंगे, वो भी बहुत मज़े का रहेगा, बीच में टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप इसके ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहें तो इसमें 1 कप पानी भी ऐड कर सकती हैं। अब मैं इसको दम लगाऊंगी, ये दम पे शिमला मिर्च और अनियन रेडी होंगे, तो फिर मैं आपसे बाद में मिलूँगी इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह इसे 3 से 4 मिनट दम पे लगाऊंगी, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल बनानी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी।